हाँ फिर ब्लू हो रहा है, देखिए ब्लू हो रहा है, हाँ ब्लू हो रहा है वो। मर जाता नहीं फालतू का, हाँ मार दो चलो। तो हुरुरिया कहो तो आया गया पापा गए तो रात ब्राउज बैक करना ना गूगल में आ जाएगा। आप लोग मार देते हैं उसको, हाँ विलुप्त प्रजातियों में आता है सांप। इतना पतला स्ट्रक्चर का गुड्डा क्या है ना, देखो जीप को कैसे निकाल रहे हैं। मेरे को मत देख भैया, मैंने ही बुलाया तेरे को बचाने के लिए, इतना मार देते। देखा दे भगवान, तो हो सकता है रात से ही घुसा हुआ। इसके यार दोस्त भी हैं बता रहे हैं। कौन सा है जी? सर कौन सा सांप है सर? झाड़ी वाला सांप है, और बाजू में जंगल है इसलिए आता रहता है। सर इसके बारे में, सर इसके बारे में कोई जानकारी? सर ये बिन जहर का सांप होता है, लेकिन इसके कलर को देखिए कितना कलरफुल है, और ये चमकीला जो दिख रहा है इस वजह से इसे जहरीला समझ लिया जाता है, और यहाँ भी जहरीला ही समझ रहे होंगे। जब ये सांस लेता है और अपने बॉडी को फुलाता है तो इसके अंदर का ये चटक कलर बाहर उभर के आता है, और गलतफहमी वहीं से शुरू होती है, इसलिए मार देते हैं। हाँ लोग जहरीला समझ के मार देते हैं। झाड़ी वाला सांप है और बिल्कुल भी ये नुकसानदायक नहीं है, ना ये बाइट करना चाहता है। ये देखिए आसानी से आइडिया आप लोग के पास है भैया। लेकिन सर मतलब जो मतलब काला, और मैं तो खुद डर रहा हूँ। हाँ ये जो अंदर का नीला निकलता है ना, जब ये सांस अंदर भरते हैं तो अंदर छुपा हुआ नीला कलर ये दिखता है। इसको इंग्लिश में ब्राउन बैक्टीरिया स्नेक बोलते हैं। इसको कहाँ छोड़ेंगे सर? नजदीक के जंगल में है, क्योंकि इधर से आया है तो इसके बाकी दोस्त यार भी होंगे। हाँ दोस्त यार भी इसी जंगल के आसपास होंगे। थैंक यू सर। इतना अच्छा।